Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा एक बार फिर से आपके लिए खबरों का सिलसिला लेकर हाजिर हूँ। और आपको खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप हमारी वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। सबसे पहले हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें भोजन का, अन्न का सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी बात कही जाती है और हमें बताई गई है बचपन से कि खाना खाते वक्त ना तो बोलना चाहिए और ना ही बीच में खाना छोड़कर जाना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों में जिन्हें नाखून खाने की आदत होती है, नाखून काटने की आदत होती है, वो भी बहुत ही अच्छी आदत नहीं मानी जाती। और कई ऐसी और भी बातें हैं जो आपको यहाँ डॉन एक्सप्रेस में मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए आप बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस की हमारी इस वीडियो के साथ। आज द डॉन एक्सप्रेस में हम आपको कई ऐसी बातें बताने वाले हैं जो मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही खास हो रहा है और आप देखते जाइए आगे कि आपको क्या क्या जरूरी चीजें, जरूरी सूचना हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि दूसरी बड़ी सूचना जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ वो है कि अक्सर देखा जाता है कि कई लोगों को सफर के दौरान जी मचलाता है या फिर उल्टी जैसी फीलिंग आती है, तो उसके लिए कुछ उपाय हैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप 2 लौंग को 30 ग्राम पानी में उबाल कर पियेंगे तो उससे आपका जी मचलाना खत्म हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा करने से आपका जी नहीं घबराएगा। साथ ही साथ अगर आप खाने से पहले, जी हाँ, सफर करने के दौरान अगर कोई ठोस पदार्थ खा रहे हैं तो उसे भी खाने से बचें और साथ ही साथ गर्म खाने से बचें, क्योंकि खाने की जो महक होती है उससे भी कई बार लोगों का जी घबरा जाता है जब वो सफर के लिए तैयार होते हैं। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका दिल घबरा रहा है, जी घबरा रहा है और बहुत ही वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है तो आप लेट जाएं, उससे जी मचलाना कम हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आप बहुत ही तेज मसालों का खाना खाने के बाद सफर के लिए निकले हैं तो उसे करने से भी बचें। ऐसा करने से आपका सफर अच्छा होगा और आप आराम से अपने घर पहुंच सकते हैं या फिर जिस भी जगह के लिए आप रवाना हुए हैं आप आराम से वहां पर अपना सफ़र कर सकते हैं। और एक बात और आपको बताना चाहती हूं कि अगर आप बस या कार में किसी भी जगह में सफ़र कर रहे हैं तो उसके आगे के एरिया में बैठें। जी हाँ, ऐसा करने से आपका जी नहीं घबराएगा और साथ ही साथ खिड़की वाली सीट ज़रूर लीजिएगा। और भी ऐसी तमाम खबरें हैं, बने रहिए है हमारे साथ। अब आपको बताने वाली हूँ फिट करी के कई सारे फायदे। जी हाँ, आपको सुनकर बहुत हैरानी हो रही होगी कि फिट करी के ऐसे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि अक्सर हमने नोट किया होगा कि जब भी आपके घर के जो भी पुरुष हैं वो शेव करते हैं तो अक्सर अगर ब्लेड लग जाता है तो फिट करी का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, और इसके और भी नायाब फायदे हैं जो आपको यहाँ पे डॉन एक्सप्रेस में बता रही हूँ। अगर आपको कहीं भी घाव हुआ है तो आप फिटकरी को पानी में घोलकर उस पर डाल सकते हैं। अगर किसी को मुंह से दुर्गंध आती है, ये परेशानी है, तो फिटकरी के पानी के कुल्ले बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पसीने की दिक्कत है तो आप फिटकरी को पानी में घोलकर उस पानी से नहा सकते हैं, अपने नहाने के पानी में फिटकरी को डाल सकते हैं। और अगर आपके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं तो फिटकरी या तो आप गीला करके उसे चेहरे पर मल सकते हैं या फिर उस फिटकरी के पानी से आप मुंह भी धो सकते हैं। तो हुए ना फिटकरी लगाने के कई सारे फायदे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ लौंग के तेल के फायदे। जी हाँ, हम अक्सर कई सारे तेल अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, कुछ खाने के लिए, कुछ लगाने के लिए, लेकिन लौंग का तेल बहुत ही फायदेमंद है और कारगर साबित होता है। अगर आपके चेहरे पर कील मुहासे हैं तो एलोवेरा जेल में अगर लौंग की कुछ बूंदें आप मिला लेंगे लौंग के तेल की, तो आपके मुहासे तुरंत गायब हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर लौंग के तेल को आप 5 मिनट तक अपने चेहरे पर मसाज करेंगे तो आपकी एक नई स्किन आने लगेगी। जी हाँ, आपकी जो भी बीजान स्किन है उसमें एक नई ऊर्जा और नई जान आ जाएगी। साथ ही साथ अगर आप सोने से पहले लौंग का तेल लगाते हैं तो आपके पोर्स में छुपी हुई सारी गंदगी निकल जाती है और आप आराम से उसकी महक के साथ भी सो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी महक होती है
लौंग की। साथ ही साथ अगर आप लौंग को अलग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं तो भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, और सर्दियों के इस मौसम में लौंग तो और भी कारगर साबित होता है। तो ये हुए ना लौंग के कई फायदे, ये बहुत ही गुणकारी है। अक्सर हमने देखा है कि घरों में जब माएँ बच्चों का लंच पैक करती हैं तो अखबार में लपेट कर खाना दे देती हैं, या फिर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं गर्मा गर्म कोई भी सामान खरीदने तो वो खाना आपको अखबार में लपेट के दे देता है, चाहे वो समोसा हो, कचौड़ी हो या फिर कोई भी सामान हो आपके खाने पीने का। लेकिन हमारी ये वीडियो देखने के बाद आप अगली बार से ऐसा करने से अवश्य बचेंगे, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि अखबार में खाना लपेटने के क्या क्या नुकसान हैं। दरअसल जो अखबार में प्रिंटिंग इंक होती है, जो इस्तेमाल होती है, वो बहुत ही खतरनाक होती है एक मानव शरीर के लिए। जब भी आप उसमें गरम गरम खाना पैक करते हैं तो वो इंक आपके खाने में लग जाती है पिघलकर, और आपके खाने को बहुत ही खतरनाक बना देती है। उसमें ऐसे विषैले तत्व आ जाते हैं जो आपके गुर्दों को और फेफड़ों को बहुत ही पूर्ण रूप से नुकसान दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंक में लपेटा हुआ खाना खा लेते हैं तो वो आपके स्किन को भी बहुत नुकसान करता है, और साथ ही साथ अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है तो वो उसको बढ़ावा देगा। जी हाँ, आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं अगर आप वो इंक भरा खाना खा लेते हैं। तो अगली बार से जब भी आप गर्मा गर्म खाना कहीं अखबार में लपेटा देखें तो बिल्कुल मना कर दीजिएगा। अपने घर से कोई कपड़ा ले जाइएगा या फिर जो फॉइल पेपर आता है, दरअसल फॉइल पेपर के लिए भी मना किया जाता है क्योंकि वो एल्युमिनियम से बना होता है, और एल्युमिनियम भी गरम गरम खाने में अगर परोसा जाए तो वो भी खतरनाक होता है। तो आप कोई ऐसा चीज़ इस्तेमाल करिएगा जो इतनी गरम गरम ना हो। अगर आप पत्तल इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे होते हैं। हमने देखा है कि पत्तलों में खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हम कई बार देखते आए हैं कि पुराने ज़माने की जो भी दावतें होती थी वो पत्तलों पे खाना खिलाया जाता था और लोग स्वस्थ होते थे। तो जब भी आप कहीं से खाना पैक करा के ला रहे हैं तो या तो अपने घर के बर्तन ले जाइए या फिर पत्तलों का इस्तेमाल करिए। आज हम आपको डॉन एक्सप्रेस में बता रहे हैं कि डायबिटीज़ से कैसे बचा जा सकता है, और अगर आपको किसी को भी डायबिटीज़ है तो आपको किस तरीके का नाश्ता करना चाहिए। जी हाँ, अक्सर लोग मीठे पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से उनकी डायबिटीज़ शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको डायबिटीज़ जैसी बीमारी अपनी चपेट में ले लेती है। और आजकल देखा गया है कि कम उम्र के बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं क्योंकि वो टॉफ़ी, चॉकलेट इत्यादि खाते हैं जिससे उनका शुगर लेवल, आर्टिफिशियल शुगर खाने से उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम उनके शरीर में घर कर जाती है। तो अब आपको बताने जा रही हूं कि अगर आप सुबह उठ के खाली पेट किस चीज का सेवन कर सकते हैं जिससे आप डायबिटीज से अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बच सकते हैं, और अगर किसी को डायबिटीज है तो भी आप स्वस्थ हो सकते हैं। सबसे पहले बादाम, ये बहुत ही लाभकारी है। अगर आप बादाम का सेवन करते हैं तो ये आपको डायबिटीज से बचाता है और साथ ही साथ आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रखता है। अगर आप जूस पीते हैं तो जूस की जगह रॉ फल खाइए, क्योंकि रॉ फल खाने से आपको उसकी शुगर तो मिलेगा ही जो हानिकारक नहीं होता, साथ ही साथ आपको फाइबर भी मिलेगा। अगर आप प्रोटीन डाइट लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होती है। साथ ही साथ हर्बल टी या नींबू पानी भी आप ज़रूर पीजिए, और अगर आप अपने खाने में पानी की मात्रा बढ़ा देंगे तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो अगली बार जो भी शुगर के मरीज़ हैं उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए और मीठे पे कंट्रोल होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप वॉक करते हैं सुबह शाम तो ये आपको और हेल्दी बनाएगा। अक्सर हमने देखा गया है कि कॉलेज या स्कूल की कैंटीन्स में या फिर ऑफिस की कैंटीन्स में अगर आप चाय पीते हैं तो आपको थर्माकोल ग्लासेस में, डिस्पोजेबल ग्लासेस में वो चाय या कोई भी गर्म चीज़ परोसी जाती है। अगली बार आप उसे भी मना करिएगा, उससे भी बचिएगा। आप अपना स्टील या कांच का ग्लास साथ में ले जा सकते हैं और उसमें कोई भी गर्म चीज़ पी सकते हैं। दरअसल जो थर्माकोल होता है उसके ऊपर एक वैक्स की लेयर लगाई जाती है। जब भी आप गर्म चाय, दूध या कॉफ़ी उसमें डालते हैं तो वो वैक्स आपके शरीर के अंदर चली जाती है क्योंकि वो पिघल कर
आपके अंदर ही जाती है। और साथ ही साथ थर्माकोल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो इसलिए जब भी आप अगली बार कैंटीन जाएं तो अपना ग्लास कांच का या फिर स्टील का लेकर जाएं और थर्माकोल की जैसी बनी चीज़ों में खाना बिल्कुल ना खाएं, चाहे वो प्लेट हो या ग्लास। अक्सर हमने देखा है कि लोग चाय के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन ये चाय अगर आप सुबह उठते ही खाली पेट इसका सेवन कर रहे हैं तो ये आपको बहुत नुकसान देती है। जी हाँ, कुछ लोगों को बैड टी की आदत होती है, खाली पेट वो चाय पीते हैं तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। जी हाँ, और साथ ही साथ आपकी सांस की नली में और फूड पाइप में जलन करने लगती है वो खाली पेट पी हुई आपकी वो चाय। कुछ लोगों के अगर सिर में दर्द होता है, अगर तनाव होता है तो वो चाय पीते हैं, ऐसा करने से तनाव और बढ़ जाता है और दिमाग की नसों में झंझनाहट होने लगती है जिसकी वजह से तनाव आपका बढ़ने लगता है। तो आप इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि अगर आप चाय पी लेते हैं तो आपको रिलैक्स मिलता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और साथ ही साथ अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं तो वो आपकी पाचन तंत्र को भी नष्ट करता है। कुछ लोगों को देखा गया है कि वो बैड टी लेते हैं, उसके बाद उठते हैं और फिर एक और कप चाय पीते हैं, जिससे उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही नुकसान हो जाता है। तो अगली बार जब भी आप खाली पेट चाय पिए तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो आप इस सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, गर्मियों के मौसम में भी आप भीगे हुए बादाम के साथ अपनी दिन की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आप खाली पेट चाय बिल्कुल ना पिए। अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग मोमोज के दीवाने होते हैं। जी हाँ, मोमोज एक ऐसी डिश जो आजकल बहुत ही प्रचलन में है और लोग और बच्चे उसको बहुत ही चाव से खाते हैं, लेकिन आपको बता दूँ कि मोमोज बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते। ये माना गया है रिसर्च में कि जो भी मैदा मोमोज में इस्तेमाल होती है या फिर घर के बनाए हुए की जगह बाजार के छोले भटूरों में इस्तेमाल की जाती है वो खाने लायक नहीं होती। और साथ ही साथ मोमोज में कुछ ऐसे चीज़ें मिलाई जाती हैं जो आपकी पैनक्रियाज को नष्ट कर सकती हैं। और अगर आप मोमोज रोज़ाना खाते हैं या फिर खाने के इतने शौकीन हैं कि वीक में एक दो बार आप खा लेते हैं तो इसे खाने से बचिए, क्योंकि ये आपको डायबिटीज़ की भी बीमारी दे सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। रिसर्च में माना गया है कि मोमोज के अंदर, अगर आप चिकन मोमोज की बात कर रही हूँ, अगर आपको जो भी मांस इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता, जिसे खाने से आपको फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है। फिलहाल द डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। आज की हमारी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही होगी, मैं ये अवश्य जानती हूँ। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इन बातों का जो हमने आज आपको बताई हैं उन पे अमल करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आपके स्वस्थ होने की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कोरोना की महामारी से अपना बचाव भी रखिएगा। से आबाद डेली हंट डेली होम। नमस्कार।